हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड के मार्वल ज़ॉम्बीज़ वॉल्यूम 2 में। इससे पहले आप मार्वल ज़ॉम्बीज़ ओरिजिन और मार्वल ज़ॉम्बीज़ वॉल्यूम 1 देख ले ताकि आप ये सीरीज समझ पाए, क्योंकि ये सीरीज वहीं से शुरू हुई जहां अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर ने ज़ॉम्बी फैंटास्टिक फोर को कैद कर लिया, और आगे की कहानी आपको इस वॉल्यूम में समझ में आएगी। तो आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं जॉनी और द थिंग एंजॉयमेंट करने के लिए बाहर आए हुए थे, तभी एक कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक ट्रक से टकरा जाती है जो स्टार्क इंडस्ट्री की तरफ जा रहा था। लेकिन जॉनी वक्त रहते उसमें बैठी लड़की को बचा लेता है और हमेशा की तरह उससे फ्लर्ट करने लगता है। तभी जॉनी अचानक दर्द से कराहने लगता है और कहता है, मेरे डैड को बुलाओ। तो स्टॉर्म द बैक्स्टर बिल्डिंग में थे जहाँ वो रीड से पूछ रहे थे, फाइव सेंसरी टीवी बनाने के बजाय तुम डायमेंशनल डोरवे बना रहे हो क्यों? तब रीड उन्हें बताता है कि टीवी के साथ साथ अपने सारे असाइनमेंट क्लियर कर चुका है वो, और इसलिए वो अपना ध्यान ज़ॉम्बी फैंटास्टिक फोर पर डालना चाहता है। तब प्रोफेसर स्टॉर्म उससे पूछते हैं कि अगर तुमने उन्हें अपने होम डायमेंशन भेज भी दिया फिर भी वो वापस आ जाएंगे। उस पर रीड उन्हें बताता है ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनकी दुनिया और हमारी दुनिया परपेचुअल ऑर्बिट में थी, लेकिन अगले 10 दिनों के बाद ऐसा नहीं होगा। ऐसा दोबारा तब होगा जब 50 मिलियन ईयर्स गुजर जाएंगे, तो इस वजह से वो वापस नहीं आ पाएंगे। प्रोफेसर स्टॉर्म को एक कॉल आता है जिस वजह से वो जाने लगते हैं जॉनी के पास। जॉनी को सू और द थिंग एग्जाम रूम में ले जा रहे थे जहाँ सू कहती है, जॉनी अब तुम्हारी इस परेशानी का इलाज ढूंढ लेंगे। तब टेस्टिंग के बाद प्रोफेसर स्टॉर्म उसे बताते हैं कि तुम एक आउटर स्पेस जीव से इन्फेक्टेड हो और शायद ये तब से तुम्हारी बॉडी में है जब से तुम एंड जोन से वापस आए हो। तब जॉनी प्रोफेसर जेवियर की तरफ देखकर कहता है, इस टकले एक्समैन को यहाँ किसने बुलाया है? उस पर रीड बताता है कि इन्हें मैंने यहाँ बुलाया ताकि वो उस जीव से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। तब प्रोफेसर जेवियर उस जीव का दिमाग पढ़ने लगते हैं और वो बताते हैं कि ये जीव एक ऑर्गेनिक चीज़ें खाता है और जॉनी को उसने तुम्हारी टीम का सबसे पावरफुल मेम्बर होने की वजह से चुना है और ये 7 दिन में जॉनी को मार देगा। तब सुजन क्रिस्टल नाम के एक यूनिह्यूमन से मदद मांगने जाती है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी ह्यूमन टेक्नोलॉजी से बढ़कर थी, लेकिन क्रिस्टल ब्लैक बोल्ट की डर की वजह से उसे मदद करने से मना कर देती है। तरफ जॉनी अपने इस हालत पर रो रहा था और दूसरी तरफ रेड जॉम्बी रेड से कह रहा था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, थॉर से लेकर नेमर तक मैंने सबसे मदद मांग ली, लेकिन फिर भी सब तुम्हें मारना चाहते हैं बजाय मेरे, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, क्या तुम भी हमारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकते? उस पर ज़ॉम्बी रीड उसे जवाब देता है कि नहीं, और मेरी टीम यानी फ्राइटफुल फोर कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाएगी। उस पर रीड हताश हो जाता है और उसे बैन कहता है, स्ट्रेची तुमने अभी एक आदमी से मदद नहीं मांगी और तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हम देखते हैं डॉक्टर डूम को जिसे असिस्ट कर रही थी जॉनी और सुजन की माँ यानी डॉक्टर स्टॉर्म। तभी बैक्स्टर बिल्डिंग में द फ्राइटफुल फोर अपना काम शुरू कर चुके थे जहाँ एक गार्ड ज़ॉम्बी रीड से पूछता है, तुमने अपने पीछे क्या छुपाया है? तब रीड उससे कहता है, ये तो एक बॉल पेन है। उस पर सू कहती है, रीड इसे बताओ तो तुमने इस पेन के साथ क्या किया? तब रीड कहता है, यह है तो एक लंबी कहानी लेकिन साथ ही अमेजिंग भी है। मैंने इस पेन को एक टेलीपोर्टर में बदल दिया है जिससे हम ये इन्फेक्शन तुम्हारी अर्थ पर फैलाएंगे और शुरुआत सेंट्रल पार्क से करेंगे। तब गार्ड उसकी बात मजाक में लेता है। उस पर वो लोग सर्कल पे खड़े होते हैं और पेन क्लिक करते हैं और तभी सुजन उन सबको धीरे धीरे गायब करने लगती है जिससे लगता है कि वो टेलीपोर्ट हो गए। उस पर गार्ड घबरा कर इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देता है। तब गार्ड्स डर कर अंदर जाने लगते हैं जहाँ फ्राइटफुल फोर गायब हुए थे। एक गार्ड अंदर जाते हुए कहता है, ये सब अभी होना था जब अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर लेटवेरिया गए थे, तभी फ्राइटफुल फोर फिर से विजिबल होकर सभी गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। तब सू उनसे कहती है, एक पेन को टेलीपोर्टर बनाया, ये मजाक तुमने सच मान लिया? तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तभी बाकी से बचे हुए गार्ड सेल बंद करने को कहते हैं, लेकिन उससे पहले फ्राइटफुल फोर वहाँ से निकल जाती है। फ्राइटफुल फोर सबको मारते हुए आगे बढ़ रही थी, इस वजह से वहाँ के साइंटिस्ट जॉनी को शिफ्ट करते हैं। प्रोफेसर स्टॉर्म आदि बैक्स्टर बिल्डिंग जहाँ पर फ्राइटफुल फोर थे वो हिस्सा सील कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर साइंटिस्ट की एक टीम थी जिस वजह से उनकी सिक्योरिटी के लिए वो फ्राइटफुल फोर से बात करने की कोशिश करते हैं। उस पर फ्राइटफुल फोर उनसे कहती है, जो हमें चाहिए वो यहीं पर है तो हमें डील की या एग्रीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। तब अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर नेटवेरिया में डूम से मिलते हैं
जहाँ डूम उन्हें बताता है कि उसने कैसे लेटवेरिया को सिर्फ 6 महीने में जापान से भी बड़ा बना दिया। उस पर सुजन कहती है कि तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों आए हैं। उस पर डूम बताता है कि तुम अपने भाई को बचाने आए हो जिसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बचा सकता। क्या ये वही मिस्टर फैंटास्टिक है जिसने सबसे ये कहा था कि वो टेलीपोर्टेशन एक्सीडेंट मेरी गलती थी। थिंग गुस्सा होकर डूम से पूछता है तुम मदद करोगे या नहीं। तब डूम बताता है बिल्कुल करूँगा, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा ये साबित करने का कि मैं कितना स्मार्ट हूँ तुम्हारे इस दोस्त से। और कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है, और डॉक्टर स्टॉर्म को पुकारता है। तब सुजन अपनी माँ को देखकर चौंक जाती है और उससे डॉक्टर डूम का साथ देने की वजह पूछती है। उस पर डॉक्टर स्टॉर्म सुजन को बताती है कि डूम ने उनकी कंपनी और रिसर्च में मिलियंस और बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पर अगर आपको डॉक्टर स्टॉर्म के बारे में नहीं पता तो हम आपको बता दें कि जॉनी और सुजन की माँ 15 साल पहले एक सीक्रेट प्रोजेक्ट जो कि एटलांटियंस पर था उनके लिए अपनी फैमिली और बच्चों को छोड़कर चली गई थी। और जॉनी और सुजन को बताया गया था कि उनकी माँ मर चुकी है। और 15 साल के बाद वो सीक्रेट प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो गया तो वो वापस आ गई। लेकिन अब हमें पता चला कि डॉक्टर डूम ने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था और उसे सक्सेस बनाया था, जिसमें उसे एक बुक मिली थी जो वो इस्तेमाल करता था। उसके बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं। सुजन अपनी माँ से नाराज़ हो जाती है। तब डॉक्टर स्टॉर्म कहती है कि यही जॉनी की आखिरी उम्मीद है, और सुजन और बेन को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। तब डूम रिचर्ड को उस क्रिएचर के बारे में बताता है कि उसका नाम जिविल पो गया है और वो एक प्राचीन जीव है एंजोन का। पहले वो सबसे ताकतवर को अपना होस्ट चुनता है और धीरे धीरे उसे मार देता है, और वो एंजोन में लाखों सालों से सोया हुआ था। तब रीड पूछता है कि क्या तुम उसे एंजोन वापस भेज सकते हो। तब रीड को डूम बताता है एक स्पेल कास्ट करके उसे भेजा तो जा सकता है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हुई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। उस पर रीड कहता है तो जल्दी करो। उस पर डूम अपनी शर्त बताता है कि मैं फैंटास्टिक फोर का लीडर बनना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे लिए ये क्या मायने रखता है। इस प्राचीन किताब से हम अपना माइंड शार्प कर सकेंगे और कोई जान भी नहीं पाएगा। पता चलता है कि यह सब डूम का ही काम है, उसने जॉनी को उस क्रिएचर से इन्फेक्ट करवाया था। तब वो उससे पूछता है लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उस पर डूम बताता है क्योंकि तुमने लोगों से कहा कि एंजोन का एक्सीडेंट मेरी गलती थी और तुमने मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी, अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तभी बेन और सू एक इमरजेंसी सिग्नल रिसीव करते हैं जिससे वो रीड को लेने भागते हैं। उससे पहले ही डूम अपना माइंड रीड के साथ स्वैप कर चुका था और वो बेन और सुजन के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर स्टॉर्म फ्राइटफुल फोर से कहते हैं कि तुमने टेलीपोर्टर ओपन कर लिया है तो तुम अपने होम प्लेनेट वापस जा सकते हो। तब जॉम्बी सू बताती है हम अपने घर नहीं जाएंगे बल्कि ये इन्फेक्शन फैलाने के लिए अपने दोस्तों को ही यहाँ बुला लेंगे। तब अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर बैक्स्टर बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे और द अल्टीमेट्स भी आ गए थे उनकी मदद के लिए। तब प्रोफेसर स्टॉर्म रीड बने डूम को बताते हैं कि 1 घंटे में फ्राइटफुल फोर अपने दोस्तों को यहाँ बुला लेंगे। तब रीड बना डूम कहता है लेकिन जॉनी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और बाद में मैं जॉम्बी से निपट लूँगा। तब सू और प्रोफेसर स्टॉर्म उसे समझाते हैं कि जॉम्बिस हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो ये कहकर टाल देता है कि जॉनी की ज़रूरत है मुझे जॉम्बिस से लड़ने के लिए। तब हम देखते हैं जॉनी की मदद करने के लिए डूम बना रेड उसे एक सर्कल के बीच में लेटा देता है और उस पर अपना स्पेल कास्ट करने की तैयारी करता है। तब जॉनी मजाक में उससे पूछता है कि वो क्रिएचर जब मेरे शरीर से बाहर निकलेगा तब मुझे दर्द तो नहीं होगा ना। तब एक्स्ट्रा बिल्डिंग के बाहर निक फ्यूरी प्रोफेसर स्टॉर्म से पूछता है कि मेरे लोग तैयार है, सिर्फ आपके कहने की देर है। तब प्रोफेसर स्टॉर्म मना कर देते हैं और अंदर वो क्रिएचर जॉनी के शरीर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन डूम जो कि रेड की बॉडी में था वो स्पेल के मंत्र मिस प्रोनाउंस कर देता है और वो क्रिएचर उड़कर किसी और होस्ट को ढूंढने निकल पड़ता है। तब डूम जो कि रीढ़ की बॉडी में था उसे लगता है कि वो थॉर को चुनेगा और वो प्रोफेसर से उसे दूर ले जाने को कहते हैं, लेकिन वो क्रिएचर थॉर को इग्नोर करके डूम की बॉडी में चला जाता है जिसमें माइंड रीढ़ का था। तब डॉक्टर डूम जिसकी बॉडी में माइंड रीढ़ का था वो कहता है शील्ड छटाओ और मुझे इसे खत्म करने दो। उस पर फ्राइटफुल फोर खुश हो जाते हैं कि शील्ड सब हट चुकी है और हमें कुछ खाने को मिलेगा। ये सोचकर जॉम्बी जॉनी रेड माइंड वाले डूम पर हमला करने चला जाता है, लेकिन वो उसे आसानी से एक ऐसी चीज़ में कैद कर लेता है जिससे जॉनी निकल नहीं पाता। जॉम्बी थिंग उस पर हमला करते हुए कहता है कि क्या तुम इस दुनिया के कोई सुपर हीरो हो। तब डूम बना रेड कहता है कि नहीं मैं एक सुपर हीरो तो नहीं हूँ, लेकिन उन सुपर हीरो के पास
में एक आखिरी उम्मीद हूँ। और इसी के साथ वो जॉम्बी थिंक का हाथ पकड़कर उसे तोड़ देता है। तब जॉम्बी रीड उसे पकड़कर सू से उसे फोर्स फील्ड में कैद करके मारने को कहता है, लेकिन वो डूम के मैजिक शील्ड को पार करके ऐसा नहीं कर पाती। उल्टा डूम ही उसे मार देता है और जॉम्बी रीड के मुंह में वो नर मांस खाने वाले एक कीड़े डाल देता है। तब प्रोफेसर स्टॉर्म उससे हालात पूछते हैं। उस पर डूम बना रीड कहता है कि अब हमारी दुनिया 50 बिलियन ईयर तक सेफ है। और रीड के बॉडी में डूम उससे वो कहता है कि अब तुम सच्चाई बताओगे या मैं बताऊँ विक्टर। अब विक्टर डूम सबको सच्चाई बताकर अपना माइंड स्वैप रिवर्स करता है और खुद अपने बॉडी में जाकर जॉम्बी के होम डायमेंशन अर्थ 2149 की तरफ टेलीपोर्टर के थ्रू जाने लगता है। और साथ ही कहता है, लोगों को ये ज़रूर बताना कि कैसे विक्टर वॉन डूम ने अपने शरीर में एक भूखा क्रिएचर लेकर 6 मिलियन लोगों की जान बचाई। इतना तो तुम ही कर ही सकते हो। और अर्थ 2149 में एंटर करके वो जॉम्बी सुपर हीरोज को देखकर कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक सेक्रीफाइस की और जिम्मेदारी की। ये एपिसोड शुरुआत है मार्वल जॉम्बीज वॉल्यूम 2 का और अब ये और भी एक्साइटिंग होने जा रहा है क्योंकि इसमें और भी रियलिटीज ऐड होने वाली है। तो हम इस एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ और धन्यवाद।